हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबका। मेरा नाम है पवनदीप और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुजवाल मीडिया। आज है आज़ादी का दिन, क्योंकि मेरा आइसोलेशन ख़त्म हो गया। मुझे पता है आप सबको कुछ नहीं पता, क्योंकि 3-4 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, कोई अपडेट नहीं डाला। बट जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मुझे ओमिक्रॉन हुआ हुआ था और मैं 7 दिन के लिए आइसोलेशन में था। बट बड़ी बड़ी जहर बात थी, कतई कतई कोई ना जाए, बहुत मुश्किल था सब। 7 दिन, 3-4 दिन तो बहुत परेशान रहा मैं अपनी सेहत से। बट इसके लिए किसी और दिन व्लॉग बनाएंगे। आज कैद से निकले हैं, आज़ादी मिली है और काम शुरू करना शुरू कर दिया। आज़ादी से निकलते सार पीछे की घास जो अल्फ्रेस्को की बड़ी हुई थी या वीड्स निकले हुए थे, आज मैंने सोचा उनका खात्मा किया जाए। तो उसके लिए मेरे पास है हॉरिडो का वीड किलर कॉन्सेंट्रेट, इसको डालूंगा मैं इसमें, साथ मिलाऊंगा पानी। थोड़ा सा वैसे मिला दिया था, फिर मुझे याद आया कि मैं वीडियो बना लूँ साथ, तो इसको डालने के बाद स्प्रे। मुझे नहीं पता इसकी जाल भी बनती है। मुझे था कि अब तक पानी से यहाँ तक ही भरा और भर लूँ, लगता नींद नहीं खुली। सारा यहाँ पे ना वीड आना शुरू हो गया, तो अब मेरे दिमाग में था मैं क्या यार इसको अब हाथ से कितनी बार निकालता रहूँगा, तो इसका खात्मा पक्का। वहां पे तो स्प्रे कर दिया ना पीछे मैंने, तो यहाँ पे मेरा इस तरह मेरा तरीका है ये सारी वीड निकालने का। पानी डालो, मिट्टी नरम करो और हाथ से इसको निकाल लो। दिखाता हूँ, क्लोज अप व्यू। फाइनली मेहनत और मशक्कत करने के बाद मैंने वीट तो सारा निकाल ही दिया था 90%। बाकी कुछ ऐसे वीट थे जिनकी अभी टानियाँ जो भी है ना वो इतनी अभी स्ट्रांग नहीं थी, वो निकाल रहा था तो वो ऊपर से ही टूटे थे, जड़ से निकल ही नहीं रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया। 1-2 हफ्ते में फिर से थोड़े उगेंगे या उनकी टानियाँ थोड़ी स्ट्रांग होगी तो निकाल देंगे। और अब टाइम हो गया है, टाइम 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 1:10 और अब तैयार होने लगे हैं। थोड़ा मार्केट शार्केट जाएंगे, आज़ादी मनाएंगे। टेंशन मत लो, मैं आपको कोरोना वाला जो उनसा मेरा कुछ कुछ मैंने हाइलाइट्स बना के रखे हुए हैं और क्या मेरे साथ किस दिन कैसा फील हुआ था वो सब आपको बताऊंगा। बट अभी के लिए तैयार हो जाएं और फटाफट निकलें। और एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, मिशन है मेरे लिए, क्योंकि मैं बड़ी बार इतनी बढ़ाने के बाद ना दाढ़ी कटवा देता था, तो अब एक बार मैं सोचूं कि दाढ़ी को ना इतना किया जाए, तो इसकी फुल मेंटेनेंस चल रही है।
ऑयलिंग होगी, बियर्ड ऑयल हो गया, आज बियर्ड बियर नहीं बियर्ड बाम लेके आऊंगा, तो वो भी लगाऊंगा, बाकी देखते हैं। थोड़े से और बाल भी बढ़ाने की सोच रहा हूँ, नॉट श्योर, बट दाढ़ी तो पक्का है, दाढ़ी तो इतनी करूंगा। सो फाइनली मैं तैयार हो गया हूँ, ऐसा कुछ मेरा टायर है। ओमिक्रॉन ने पीला तो कर ही दिया था, मैंने सोचा नीला डालूं, तो बैठ जाओ बट नेवरदलेस ये कुछ मेरा टायर है एंड आई एम ऑल सेट टू गो। निकलते ही सबको भूख लगनी शुरू हो गई थी क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था, और हम आए इंडियोस। इसका अमृतसरी कुलचा बहुत स्वाद है। मोटा खर्चा शॉपिंग में होने के बाद, मोटा मोटे से भी मोटा खर्चा शॉपिंग पे होने के बाद घर आ गया था। उसके बाद मैंने देखी मूवी जलसा, जो नई आई है विद्या बालन की और शिफाली शाह की। मूवी स्लो है बट शिफाली शाह जो इंटरवल के बाद उसकी जो एक्टिंग है ना, अल्टीमेट है। मतलब मूवी और थोड़ी सस्पेंसफुल हो सकती थी या ड्रामेटिक हो सकती थी, बट एंडिंग उन्होंने कोल्ड ही रखी, ज़्यादा कोई मतलब बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने ऐसा सस्पेंस क्रिएट नहीं रखा था। बट नॉनदलेस मूवी वन टाइम वॉच है, देख लेना। मैं कोई स्पॉयलर अलर्ट नहीं कर रहा कि उसमें ऐसा है या उसमें ऐसा है, नो डाउट। मतलब थ्रू आउट मूवी स्लो है बट वन टाइम वॉच ज़रूर है, सो गो हैड वॉच द मूवी। आज फाइनली आइसोलेशन के बाहर आके एक आज़ादी मिलने के बाद, घूम के आने के बाद मज़ा आ गया। मतलब ऐसे लग रहा था आज पता नहीं नई जिंदगी नहीं मिल गई वो है, बट वो 7 दिन भी बहुत टेरेबल थे जो कोरोना के निकले मेरे। आपके सबके साथ अगर आप चाहते हो मैं शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस कोरोना वाला, तो कमेंट सेक्शन में एक बार मैसेज कर देना, हम पहुँच जाएंगे झोला लेके। तो बाकी नंदलेस ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का घूमने का। सुबह गए थे इंडिया, उसके बाद DFO में थोड़ी शॉपिंग करी और फन करके हम आगे। लिटरली सुबह इतना ज़्यादा इंडिया हाउस में खा लिया था, पक्का ईगल वाला काम हो गया था कि ईगल खाने के बाद उड़ नहीं पाती ना, हमारा खाने के बाद चल नहीं पा रहे थे हम, इतना मुश्किल था। बट स्वाद था खाना, नो डाउट। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक द व्लॉग एंड इफ़ यू डू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑन। कॉमेंट करना ना भूलना। ओके बाय, मिलते हैं अगली बारी। और एक बात और, मैं अपनी बियर्ड बढ़ा रहा हूँ, मुझे भी बढ़ा रहा हूँ, बालों का भी आई एम नॉट टू श्योर कि मैं बढ़ाऊँगा कि नहीं। जिन्होंने दाढ़ी बढ़ाई हुई है कमेंट सेक्शन में ना एक बार ज़रूर लिखना कि आप कौन सा ऐसा कोई प्रोडक्ट लगाते हो या ऐसे कौन सा आप केयर कर रहे हो जिससे आपकी दाढ़ी या मूछें ज़्यादा फ्रीजी नहीं रहती, प्रॉपर एक लाइन आती है। मैं अब तक तो ऑयल ही लगा रहा था और फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आई वॉन्ट कि मैं प्रोडक्ट भी ऐसा यूज़ करूँ। ओके बाय।